हाय एवरीवन, दिस इज नंदिनी शर्मा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप सभी को पता है हम आ गए हैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज आप सभी की क्वेरीज और डाउट सॉल्व करने, वो भी ऑफिशियल से, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से। डॉक्टर भास्कर कर्ण आज हमारे साथ है एंड हम उनसे पूछने वाले हैं आप सभी के डाउट जो आप सबको बहुत परेशान करे हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इतना समय निकाला एंड आप हमारे चैनल पे आए। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड नंबर वन क्वेश्चन पे हम सीधा आ जाते हैं कि अगर बच्चों ने साउथ कैंपस टारगेट करना है तो क्या उन्हें मोतीलाल नेहरू कॉलेज को प्रेफरेंस देनी चाहिए या नहीं? देखिए, प्रेफरेंस के कई आधार होते हैं, कई कारण होते हैं। सहूलियतों के आधार पर, एकेडमिक उसके पहचान के आधार पर, उससे आने वाले समय में भविष्य या करियर के आधार पर कई कारण होते हैं। मोतीलाल नेहरू कॉलेज का जो रेटिंग है वो भले मीडिया तय करे, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि एकेडमिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलेज है। ठीक है, मैं एज ए मेंबर ये जानता हूँ और ये स्वीकार करता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमियाँ हैं। ठीक है, हमारे इस कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, ऑडिटोरियम नहीं है, बट जैसा मैंने कहा कि एकेडमिकली सब्जेक्ट के ज्ञान में यहाँ किसी तरह की कोई कमी नहीं है। एक से एक महत्वपूर्ण अध्यापक हैं और जिनके ज्ञान से आपको भरपूर लाभ होगा। तो साउथ कैंपस एरिया के बेहतरीन कॉलेजों के चयन में अगर आपका टारगेट एकेडमिक है तो निसंदेह मोतीलाल को आप सबसे ऊपर रख सकते हैं। लेकिन आपका इरादा एकेडमी के अलावा अन्य फैसिलिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान रहता है, जिसमें आपको हॉस्टल चाहिए, जिसमें आपको ऑडिटोरियम चाहिए या सारे एसी रूम्स चाहिए, तो ऐसे में थोड़ी परेशानी आ सकती है। अदरवाइज एकेडमिकली कोई कमी नहीं। नंबर टू क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के बाद क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई ओरिएंटेशन होती है या डायरेक्टली क्लासेस स्टार्ट हो जाती है? नहीं, ये हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में दो तरीके से, कुछ सीधे दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से भी ओरिएंटेशन किया जाता है, वैसे हर कॉलेज में मोतीलाल नेहरू भी उसमें इंक्लूड है, शामिल है। क्लासेस की शुरुआत पहले ओरिएंटेशन से ही होती है। ओरिएंटेशन पहले प्रॉपर ओपन फील्ड में कॉलेज के एडमिन एंड प्रिंसिपल एंड मेन फैकल्टीज़ के थ्रू होता है और उसके बाद में डिपार्टमेंटली भी ओरिएंट किया जाता है विद्यार्थियों को और उसके बाद क्लासेस शुरू होती हैं। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि ओरिएंटेशन में ज़्यादा समय नहीं लगाया जाता, एक दो तीन दिन के भीतर ओरिएंटेशन का की जिम्मेदारी निभा दी जाती है और उसके फौरन बाद नियमित क्लासेस शुरू हो जाती हैं। किसी तरह की इसमें कोई बाधा नहीं आती है, सब एक दूसरे के हेल्पफुल होते हैं इस मामले में। राइट, सो सर, जैसे आपने बताया क्लासेस के रिगार्डिंग, तो अटेंडेंस का क्या प्रोविजन है और कितना स्ट्रिक्ट है मोतीलाल नेहरू कॉलेज या साउथ कैंपस का कोई भी कॉलेज अटेंडेंस को लेकर? देखिए, अटेंडेंस को लेकर के दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों का पालन यथासंभव सब करते हैं। इस कॉलेज में भी इसका पालन किया जाता है। अटेंडेंस की जो बुनियादी शर्त होती है, मिनिमम जिसको कंप्लीट करना चाहिए, इसके मामले में स्ट्रांगली स्टेप लिया जाता है। लेकिन हाँ, कुछ विद्यार्थी जो अटेंडेंस के इस बुनियादी शर्त को पूरा ना कर पाए तो उनके विभिन्न कारणों के आधार पर, ताकि उनके आगे की पढ़ाई में बाधा ना आए, कई अन्य उपाय भी सुझाए जाते हैं। लेकिन वो विद्यार्थी जो इन सुविधाओं के नाते अटेंडेंस अगर ना ले, क्लासेस अगर ना ले, तो इसमें दो राय नहीं कि नियम के तहत उन्हें थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अटेंडेंस महत्वपूर्ण पहलू है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता इस कॉलेज में भी। तो अगर अटेंडेंस को हम इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो क्या स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स करने का या एक्स्ट्रा कोर्सेज करने का या अपने आप की जो स्किल्स बढ़ाने के लिए आजकल कहा जा रहा है, तो क्या वो करने का मौका उन्हें मिल पाता है ताकि वो अटेंडेंस भी पूरी रख सके और वो अपने आप को अपस्किल भी कर सके? बिल्कुल बिल्कुल मिल पाता है, इसीलिए विश्वविद्यालय ने ही ये नियम का विधान बनाया है कि आपको कॉलेज में किसी तरह की बाधा ना आए तो मिनिमम के लिए उन्होंने 66% का 66.6 का नियम बना रखा है और इसको पूरा करते हुए इसके बाद इतना पर्याप्त समय मिलता है कि आप बाहर का कुछ भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। और इसके अलावा भी, क्लास लेने के अलावा भी इतना टाइम मिलता है कि आप बाहर के गतिविधियों में शामिल हों, उसमें आगे बढ़ें, कोई खास बाधा नहीं आती है। ध्यान रखिए, छोटी सी बात है कि कॉलेज में पढ़ने का मतलब अपने आप में स्कूल की पढ़ाई से अलग हो जाना है और अलग होने को इस मीनिंग में लेना चाहिए कि पढ़ाई का दायरा बढ़ाना है। तो यहाँ के पूरी शिक्षा पद्धति में इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है कि आप पढ़े भी, अटेंडेंस भी पूरा हो और इसके अलावा भी पर्याप्त इतना समय मिले कि अन्य दूसरी गतिविधियों को भी बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ा सकें। इस तरह की कोई खास, मतलब कोई बाधा आती ही नहीं है। शिक्षक भी इस मामले में एक सहायक की तरह भूमिका अदा करते हैं विद्यार्थियों के साथ।
जैसे आपने बताया कि मोतीलाल नेहरू कॉलेज में हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है, तो क्या आसपास इजीली पीजी वगैरह मिल जाते हैं जिसमें बच्चे जो बाहर से आ रहे हैं दिल्ली से वो स्टे कर सके? हाँ बिल्कुल, यहाँ हमारे कॉलेज ये साउथ कैंपस एरिया का कॉलेज है और यहाँ हमारा एक सत्य निकेतन एक बहुत अच्छा माना जाता है स्थान, जहाँ पीजी के लिए बहुत आसानी से जगह मिल जाती हैं, विद्यार्थियाँ बहुत अच्छे से रहते हैं और काफ़ी संख्या में रहते हैं। इससे भी अंदाज़ा लगाइए, हालांकि लेना कहना नहीं चाहिए, कि कई कॉलेजेस जहाँ प्रॉपर हॉस्टल है भी तो विद्यार्थी हॉस्टल में रहने से अच्छा वो पीजी लेकर के सत्य निकेतन में रहना पसंद करते हैं, तो ऐसी बाधा यहाँ के विद्यार्थियों को भी नहीं आती। ऊपर यहाँ बसंत गाँव एक इलाका है, वहाँ भी बहुत अच्छे से पीजी मिल जाती हैं और दोनों कॉलेज के नज़दीक का ही एरिया है, तो ऐसी कोई बाधा नहीं आती है। बच्चे इसीलिए बहुत रुचि लेकर के यहाँ आते हैं, वो सिर्फ हॉस्टल के अभाव में इसको छांटते या ठुकराते नहीं है। राइट, एंड सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे बच्चे ज्यादातर जो आर्ट्स कोर्सेज में होते हैं वो यूपीएससी जैसे पेपर्स की और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, पीसीएस की, इसकी तैयारी करते हैं, तो क्या मोतीलाल नेहरू में भी ऐसे बच्चे प्रेजेंट हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली आर्ट्स के कोर्सेज में? क्योंकि बीए ऑनर्स बीए प्रोग्राम को आप पढ़ाते हैं तो आपको पता होगा कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं, और क्या बच्चे साथ में कोचिंग भी मैनेज कर लेते हैं कॉलेज के साथ? बिल्कुल सही सवाल किया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि कई दफा मैं भी हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि सभी कोर्स में, साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में, कॉमर्स में, ऐसे बच्चे काफ़ी संख्या में मिलते हैं जो यूपीएससी या इस तरह के कंपटीशन की तैयारी में इन्वॉल्व रहते हैं बहुत गंभीरता से। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस कॉलेज में प्रॉपर एक कमेटी भी बनाई गई है जिसमें इन विद्यार्थियों को अलग से अतिरिक्त पढ़ाया लिखाया, दिशा निर्देशित किया जा सके, यथासंभव सहायता की जा सके, तो प्रॉपर एक कमेटी बनाई गई है एकेडमिकली। इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह उस मतलब उस प्रतियोगी परीक्षाओं में रुचि लेने वाले विद्यार्थी भी यहाँ आते हैं और उनके इन ज़रूरतों की पूर्ति यहाँ कायदे से की जाती है यथासंभव। अब पूरी गारंटी तो हम नहीं ले सकते, लेकिन उनके इस पढ़ाई में किसी तरह की बाधा ना आए इस सिलसिले में सब ध्यान रखते हैं। जैसा मैंने कहा, कमेटी बना करके हम अपने उस ध्यान को ही आगे बढ़ाया है, तो निसंदेह वो विद्यार्थी भी आ सकते हैं। राइट, सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय निकाला और हमें बताया, यूपीएससी से लेकर हॉस्टल से लेकर पीजी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गई है। तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो भी मोतीलाल नेहरू कॉलेज आने वाले हैं वो सर से आके जरूर मिले। बिल्कुल।